हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा भाटी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी फ्लावर पॉट वॉल हैंगिंग। और फ्लावर पॉट वॉल हैंगिंग मैंने आपको पहले भी काफ़ी डिज़ाइन बता रखे हैं, लेकिन जो अब की बार मैं डिज़ाइन लेके आई हूँ बहुत ही न्यू है वो, और आप इसे सिंपली बना सकते हो। तो जिसमें मुझे सामान की ज़रूरत होती है, ये देखिए, इसमें दो लच्छी लगती है, इसमें दो लच्छी लगती है। मैंने ये कलर लिए हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हो। और इसमें मैंने 12 वायर लिए हैं, 6 वायर मैंने इस कलर के लिए हैं और 6 वायर मैंने इस कलर के लिए हैं, और एक वायर मैंने इसमें 6 मीटर का कट किया है। और टोटल जो मैंने 12 वायर कट किए हैं वो 6 मीटर का एक वायर कट किया है, तो 12 वायर मैंने कट किए हैं उसमें 6-6 मीटर के। और इसमें जो एक लच्छी आती है वो 200 ग्राम की आती है, तो इसमें एक फ्लावर वॉल हैंगिंग में 400 ग्राम वायर लग जाता है। और अब ये देखिए, रिंग बताती हूँ मैं आपको। इसमें मैं 4 रिंग लगा रही हूँ। सबसे नंबर एक फर्स्ट रिंग जिसमें हम वायर डालेंगे वो मैंने ली है 1 नंबर की, और जो सेकंड में जो पॉट में आएगी वो ली है मैंने 2 नंबर की, और फिर से मैंने ये एक और ली है 1 नंबर की। 3 रिंग एक उसमें लगेंगे, और मैंने वह मोती लिए हैं। इसमें मोती की मात्रा बहुत ही कम लगती है, ज़्यादा नहीं लगते हैं। एक में करीबन 30 या 35 के करीब, 35 तक मोती लग जाते हैं। ये देखिए, मैंने ब्लू कलर लिया है क्योंकि ब्लू कलर हम किसी पे भी, ये देखिए, इस पे भी अच्छा लगेगा और इस पे भी अच्छा लगेगा, तो मैंने ब्लू कलर लिया है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, अब इसको एक रिंग को लेंगे हम, और एक रिंग को वायर मैंने पहले से ही कट कर लिया है। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला कलर डालूंगी इसमें। और वायर डालने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, पहले मैं 3 वायर इस कलर की डालूंगी। सिक्स मीटर इसमें लग जाता है, आप चाहें तो कम भी काट सकते हो, लेकिन फिर आप में बाद में ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने एक बार में ही 6 मीटर का एक वायर कट कर लिया है इसमें। तो मैं इसमें इस कलर के 3 वायर डालूंगी, फिर जो दूसरा वाला कलर है उसके भी मैं 3 वायर डालूंगी। टोटल मुझे इस रिंग में 12 वायर डाल के मैं इसे तैयार कर लूंगी। अभी देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें 12 वायर डाल के तैयार कर लिए हैं। पहले मैंने 3 कलर ये डाला है, फिर 3 ये, फिर इस तरीके से मैंने वायर डाले हैं। मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी। ये देखिए, ये 3 वायर मैं इधर से पकड़ूंगी और 3 वायर इधर से, और इसमें हम जैसे नॉर्मली नॉट्स लगाते हैं उसी तरीके से हम इसमें नॉट्स लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको इधर से थोड़ा सफाई के साथ लेना है इसे। अब मैंने एक नॉट्स लगा दिया है इधर, और हम दूसरा नोट्स इसको सीधा लगाएंगे। ये देखिए, इधर से, ये देखिए, अब ये जो डिजाइन है वो इस तरीके से आएगा इसका। ये वाला जो कलर है ये इस टाइप से, और जो ये ग्रीन कलर है इसका घिया कलर, वो बीच में आएगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, इधर से भी, ये देखिए इधर से भी कितना सुंदर आ रहा है ये डिजाइन। इसमें हम ज़्यादा वायर इस वजह से कट करना होता है क्योंकि जो हम ये डिजाइन बनाते हैं तो इसमें वायर बहुत ही ज़्यादा लगता है, और एक एक वायर को इसमें खींचना है। ये देखिए, ये डिजाइन बिल्कुल सफाई के साथ आना चाहिए, और आप इसे जितना लॉन्ग करना चाहते हो इतना आप इसे कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ये देखिए, इधर से भी मैंने 3 तक ले लिया है, और मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी क्योंकि जो हम अभी नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे। अरे देखिए, दोनों कलर भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए,
आप इसमें जितना चाहे इतना नोट्स लगा सकते हो। इन दो वायर को, इनको हमें ऐसे ही बीच में रखना है, ये दो वायर से हमको नोट्स लगाना है, क्योंकि जो हम फर्स्ट में ये वाला डिजाइन दे देते हैं तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती बाद में बनाने में। ये देखिए इधर तक मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है, इधर मैंने इसमें 6 नोट्स लगा दिए हैं और इधर की साइड मैंने पूरे में 6 नॉट्स कर दूंगी इसको। ये देखिए अब इसमें 6 नॉट लग के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप डिजाइन भी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये वाला डिजाइन, फिनिशिंग भी। और अब इसी में से अभी देखिए हम एक वायर लेंगे अलग से, अलग से वायर लेने के बाद में हम इसे पूरे को इधर से ऐसे बांध देंगे, इसे रोल कर देंगे और फिर हम इसको डिजाइन बताएंगे आपको बनाना किस तरीके से बनाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर तक, और मैंने इसमें भी सिंपल रोल करके और मैंने चिपका दिया है लाइटर से। अब मैंने 4 वायर लिए हैं, ये देखिए एक ही कलर के मैंने इसमें 4 वायर लिए हैं। और 4 वायर लेने के बाद में अब सबसे पहले हम इधर सिंपल नॉट्स लगाएंगे, और नॉट्स हमें ज़्यादा नहीं लगाने हैं, 10 या 11 नॉट्स लगाने हैं मुझे इधर। देखिए दोनों तरफ नॉट्स हमें सीधा लगाना है। ये देखिए गलती से एक तरफ लग गया है, क्योंकि पता पड़ जाता है इसमें जब डिजाइन चेंज हो जाता है। ये देखिए इधर भी, और इसमें जितने आप लॉन्ग लगाना चाहते हो नॉट्स इतने आप इसे लगा सकते हो। ये देखिए मैं इसमें इधर तक ही नॉट्स लगाऊंगी। अब मैं दूसरा कलर लूंगी इसमें, उसमें से मैं 4 वायर लूंगी। इस वायर को, जैसे मेरे पास कमेंट आ रही है कि इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको वायर भी बोलते हैं, कॉर्ड भी बोलते हैं, मैक्रम भी बोलते हैं। आप किसी भी नाम से इसे किस शॉप से लेके आ सकते हो, ज़्यादातर ये मैक्रम और वायर के नाम से ही मिलता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर तक इसको बना के तैयार कर लिया है। अब इधर से आप देख सकते हैं मैंने 2 बना लिए हैं, और इसमें सिंपल नॉट्स ही लगाया इधर मैंने। अभी देखिए इधर भी, और ये वायर है, ये वायर तो मोटा ही है लेकिन थोड़ा शाइनिंग में है ये। अभी देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इसमें 3 कलर के ये बना लिए हैं, और 3 कलर मैंने ये वाला बना दिया है, 6 मैंने बना दिए हैं। इसमें 6 आएंगे क्योंकि 12 वायर थे तो 6 डिजाइन बनने के बाद में आए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें से जो ये 4 वायर थे, 2 वायर मैंने इधर की तरफ ले लिए हैं और 2 वायर मैं इधर की तरफ ले लूँगी, और इसमें एक नॉट्स लगा देंगे हम। अब इनको हम बंद कर देंगे इधर से। ये देखिए इधर से हम इनको बिल्कुल बंद करेंगे, कलर से कलर देखना है इसमें। अब जैसे कि ये वाला कलर आ रहा है तो इसमें और इसमें हम नॉट्स लगा देंगे। ये देखिए इधर से, अब इसमें से लेंगे हम, ऊपर से भी थोड़ा इसको अच्छे से सेट करना है। अब इसके और इसके लेंगे हम,
और फिर ये वाले, और देखिए अब इसको हम इधर से और इधर से बंद करेंगे। ये देखिए अब ये चारों हमने, इधर सिक्स डिज़ाइन थे हमारे, वो हमने इस तरीके से बंद कर दिए हैं। आप चाहें तो इसे लूज भी बंद कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन दिया है, कुछ अलग डिज़ाइन दिया है। ये देखिए ऊपर से इस टाइप से और इधर से इस टाइप से डबल कलर में। और अब हमें करना क्या है इधर, ये देखिए हम चार वायर लेंगे, फिर से दो वायर ये वाले लेंगे और दो वायर ये कलर के लेंगे। अब इसमें हमें मोती डालना है। सबसे पहले मैं एक मोती डालूंगी इसमें ब्लू कलर का। अभी देखिए मैंने एक मोती डाल लिया है। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक नॉट्स लगा देंगे इसमें। नॉट्स लगाने के बाद में हम अब एक कलर को नीचे दबा देंगे और दूसरे कलर को हम इसमें लेंगे। जैसे कि अब मैं ये वाला कलर लूंगी सबसे पहले घिया कलर, तो इस ये दो को हम अंदर कर देंगे, ये दो वायर को, और इसको हम बाहर की तरफ लेंगे घिया कलर को। देखिए इस टाइप से, और इसमें हम एक तरफ नॉट्स लगाएंगे। ये देखिए वो हमने जो ऊपर डिजाइन दिया था वो हमने दोनों तरफ नॉट्स लगाया था, और इसमें हम एक तरफ नॉट्स लगाएंगे इधर। ये देखिए इस तरीके से एक तरफ नॉट्स का मतलब है कि अब हम दोनों तरफ नहीं लेंगे। जैसे ये वाला, ये देखिए ये वाला जैसे हमने इधर से पकड़ा और इधर की तरफ निकाल दिया, तो फिर से हम इधर ही रख इधर ही। अभी देखिए जैसे मोती डालने के बाद मैंने इधर तक एक तरफ ये डिजाइन बना दिया है। एक तरफ ये डिजाइन इस तरीके से बनता है। ये देखिए इसको हम इधर से निकाल देंगे वायर को, और फिर से हम वायर को इधर ही रखेंगे और फिर से इधर से निकाल देंगे। ये एक तरफ डिजाइन हो जाता है इसमें। ये देखिए कितना सुंदर आ रहा है ये बल वाला डिजाइन भी। अब इसमें फिर से मैं एक ब्लू कलर का मोती डालूंगी। देखिए मैंने मोती डाल लिया है इसमें। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक नॉट्स लगा देंगे। तो नॉट्स हम किस तरीके से लगाएंगे इसमें, ये देखिए अभी से हमको ये जो घिया कलर है इसको अंदर करना है, और जो ये वाला कलर है इसको हम बाहर की तरफ करेंगे। तो इस टाइप से ये देखिए, इसमें भी हम एक तरफ ही डिजाइन देंगे। देखिए इधर से, और इसको हल्का सा टाइट कर देंगे ताकि ये जो मोती है इधर से भी ये डिजाइन बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ आ सके। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस अब जैसे मैंने घिया कलर लिया है फिर मैं ये कलर ले इसको दबाना है। जैसे अब इसको मैंने अंदर कर दिया है, और फिर से मैं ये घिया कलर ये वाला कलर अंदर कर दूंगी, फिर से ये वाला बाहर कर दूंगी। इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही है। और मैं इसको
बना के इसे तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊँगी इसमें। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर से और इधर तक इसको बना के तैयार कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इधर से डिजाइन पूरा मैंने इधर तक इसको बना लिया है और इसका जो डिजाइन है वो सिक्स बन के आया है। अब इसमें करना क्या है, मैं रिंग डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने रिंग जो आपको दिखाई थी 2 नंबर की रिंग, वो मैंने रिंग ली है इसमें। अभी देखिए मैंने एक एक करके इस वायर को, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये वायर को जैसे कि मैंने एक डिजाइन लिया, ये रस्सी ली थी बनाते टाइम, तो इधर से ये देखिए अब बिल्कुल अलग है। अब इसको हम ऐसे डालेंगे रिंग के अंदर और इसमें एक नॉट्स लगा देंगे इधर। इधर की साइड और इसको टाइट कर देंगे। इसी तरीके से मैंने ये पूरे को कवर किया है। अब इसमें हमें करना क्या है, एक एक वायर लेंगे हम इस टाइप से। ये देखिए, एक एक वायर लेने के बाद में अगर आपको ऐसे जैसे प्रॉब्लम हो रही है कि ये ऊंचा नीचा हो रहा है, तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल है वो भी, और आपको इसमें वायर भी डालना नहीं पड़ेगा, सिंपल तरीका है वो। ये देखिए, एक वायर जैसे अब हमने ये वायर लिया है ये वाला, ये देखिए अब जैसे कि मैंने ये वायर लिया है, हम इसमें से एक लेंगे और इसको इस तरीके से रिंग के अंदर कवर करेंगे और बिल्कुल टाइट खींचना है एक एक वायर को। इसमें आपको वायर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर अलग से। अगर आप नॉट्स लगाना चाहते हो, अलग से वायर डालना चाहते हो, तो फिर आप इसमें डाल सकते हो। अभी देखिए, अब मैं ये वाला कलर लूँगी। देखिए इसको भी टाइट खींचना है। और आप जितनी बार चाहें इतनी बार इसे निकाल सकते हो। ये देखिए, मैं फिर से ये भी निकाल लूंगी। और वायर मैंने आपको बताया था, एक वायर 6 मीटर का फिक्स काटना है इसमें। ये देखिए, इधर से मैंने अब जैसे मैंने इसको ऐसे ही मैं इन सबको भी इसमें एडजस्ट करके इसे तैयार कर लूँगी। अभी देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर से, और मैंने इसमें देखिए रिंग भी कितनी सफाई के साथ मैंने इसमें डाल के तैयार कर ली है। अब इसमें ये पॉट बनाऊंगी मैं। पॉट में जो बनाऊंगी वो मैं मोतियों से बनाऊंगी। जैसे कि मैं एक लाइन मोती की दूंगी और एक लाइन में नॉट्स की दूंगी। तो ये देखिए हम किस तरीके से मोती डालेंगे इसमें। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें करना क्या है, अब ये 4 वायर हैं, तो 4 वायर से अब ये 2 वायर लेंगे हम बीच वाले, और इसमें हम मोती डालेंगे। मोती में मैं ब्लू कलर का ही दे रही हूँ इधर भी। ये देखिए ब्लू कलर का मोती डालेंगे, मटका शेप वाला। देखिए इधर से, और इसमें एक नॉट्स लगा देंगे हम। अब इधर की साइड भी एक मोती डालेंगे। दो दो वायर में मोती डालना है और नॉट्स लगाना है। ये देखिए इधर से भी। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन इसमें मोती की डाल के तैयार कर ली है। अब इसमें हम एक लाइन नॉट्स लगाएंगे। अब मोती नहीं डालेंगे, अब एक लाइन नॉट्स लगाएंगे, फिर से मोती डालेंगे। अभी देखिए इस टाइप से, क्योंकि इसमें ज़्यादा मोती भी नहीं डालना है पॉट में। इधर से अब 2 वायर इधर से, क्योंकि अब इसमें हम मोती डालेंगे तो इतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। नॉट्स लगाने से ये बिल्कुल टोकरी एकदम अच्छे से सेट आएगी, जो इसकी पॉट बना रही हूँ मैं। ये देखिए इस टाइप से आएगा फिर इसका डिजाइन। इधर से भी। ये देखिए इस टाइप से।
अब जैसे ये, अब मैं इसमें फिर से एक लाइन मोती की लूंगी, फिर नॉट्स की। इसी तरीके से मैं इस पॉट को बना के इसे तैयार कर लूंगी। ये देखिए, ये वाली इस पूरी पॉट को बना के मैं इसे तैयार करूंगी। अभी अभी देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताई थी इसकी पॉट बनाना, मैंने एक लाइन इसमें मोती दिए हैं मटका सेव वाले, और एक लाइन मैंने इसमें नॉट्स लगाया है। टोटल मैंने इसमें 4 लाइन्स दी हैं और 6 मैंने नॉट्स लगाए हैं। एक एक लाइन छोड़ के मैंने इसमें मोती, आप चाहे तो इसमें पूरे में भी मोती डाल सकते हो। अब मैंने रिंग ली है 1 नंबर की। अब इसको हम सबसे पहले इस तरीके से वायर के अंदर डालेंगे और एक एक वायर लेंगे। ये देखिए, सफाई तभी दिखाई देगी इसमें रिंग डालने में। एक एक वायर लेंगे और उसको ऐसे डबल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा टाइट रखना है इसे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए एक कलर मैंने ये लिया है और मैं इसमें ये वाला लूंगी घिया कलर। इस रिंग को इस तरीके से पकड़ेंगे तब ये अच्छे से आएगा। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे थोड़ा टाइट करेंगे। और फिनिशिंग आपकी भी इसी तरीके से आनी चाहिए जैसे मैं रिंग डाल रही हूँ उसी सफाई के साथ। अब ये पूरी रिंग डाल के मैं इसे तैयार कर लूँगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा इसमें कवर करके तैयार कर लिया। अभी देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है पॉट की चारों तरफ से। ये देखिए, अब इसको हम इस तरीके से थोड़ा टाइट पकड़ेंगे इधर से, और इसी में से एक वायर लेंगे। आप कोई भी कलर ले सकते हो इसमें से, तो मैंने जैसे ये घिया कलर का लिया है, तो इसको हम इधर से टाइट करेंगे बिल्कुल। ये देखिए, देखिए बिल्कुल टाइट करना है इधर से। इसको हम लाइटर से इधर की चिपका देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है फ्लावर पॉट वाले हैंगिंग को। और ये देखिए कितना सुंदर आ रहा है इसका डिजाइन इधर से भी, कितनी फिनिशिंग है इस डिजाइन में। और इधर से मैंने आपको इसमें बिल्कुल न्यू डिजाइन दिया है, जैसे कि मैंने इधर से बंद कर दिया है इसको मोती डालने के बाद में। और इधर से भी देखिए कितनी सुंदर आ रही है इसकी फिनिशिंग। ये देखिए पूरी फिनिशिंग कितनी सुंदर आ रही है इसकी बनने के बाद में। और पॉट को भी आप देख सकते हैं, पॉट में भी कितनी फिनिशिंग है। इधर मैंने वेल्स लगा दिए इसमें कट करके। ये देखिए अब इसमें फ्लावर लगाएंगे। ये देखिए फ्लावर, इसमें आप नॉर्मली फ्लावर रख सकते हैं, जैसे इस टाइप के जो फ्लावर आते हैं, ये देखिए इस टाइप के वही फ्लावर रखे जाएंगे इसमें। क्योंकि जो हम और फ्लावर रखेंगे वो जो पॉट आती है साथ में, क्योंकि वो वाले नहीं रखे जाएंगे। और इस टाइप से इसमें ये देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर रखने के बाद में। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।